गुरुवार को पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह गौरव समिति मध्य प्रदेश की पचमढ़ी शाखा की बैठक खुशहाल कुटीर में संपन्न हुई। बैठक में सम्मिलित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वसम्मति से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम राजा भभूत सिंह टाइगर रिजर्व से प्रस्ताव पारित करवाया गया। साथ ही रिजर्व क्षेत्र का नाम राजा भभूत सिंह रिजर्व क्षेत्र करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। राजा भभूत सिंह अमर रहे, राजा भभूत सिंह अमर रहे, राजा भभूत सिंह अमर रहे। वंदे मातरम। देश भर में जनजातीय गौरव सप्ताह 8 से 15 नवंबर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजा भभूत सिंह गौरव पुनर्स्थापना समिति की ओर से हम यह मांग करते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नया नाम राजा भभूत सिंह टाइगर रिजर्व किया जाए। इसका कारण यह है कि सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश के सुदूर पूर्वी छोर से लेकर पश्चिम से होकर गुजरात तक फैला हुआ है, परंतु यह परिक्षेत्र राजा भभूत सिंह की गौरव गाथा का परिक्षेत्र है और यह पूरा जंगल राजा भभूत सिंह के पूर्वजों की ही जागीर था। देवगढ़ के गोंड राज्य ने कोरकू भोपा गोत्र के इस परिवार को चौरागढ़ महादेव पवित्र तीर्थ के संरक्षण के लिए सौंपा था। राजा भभूत सिंह ने 1857 से 1860 के बीच, जब तक वे सर्वस्व न्यौछावर करके फांसी पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नहीं झूल गए, तब तक अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। इसी के कारण से बोरी के जंगलों को जब्त करके अंग्रेजों ने भारत का प्रथम संरक्षित वन क्षेत्र बनाया था। तेनवा नदी के तट पर हर्राकोट में, साकल ढो और फांसी खट्ट में, पचमढ़ी परिक्षेत्र में और बागरा के जंगलों तक यह पूरा क्षेत्र एक समय राजा भभूत सिंह के नाम की गौरव गाथा से गूंज उठा था। राजा भभूत सिंह गौरव पुनर्स्थापना समिति की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से तथा राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से हम यह मांग करते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह स्मृति टाइगर रिजर्व रखा जाए और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी हमारे इस मांग को स्वीकार करेंगे। भारत माता की जय। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।